नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सोल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 36 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सभी पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड BAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैन BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है तो देखिएगा, सॉल्व करने से पहले आप करेंगे क्या, पहले दोस्तों देखिए, यहां पे आपको देखना है ये BAD को 7 कैसे लिखा है या SAP को 9 कैसे लिखा है। जैसे यहां पे दोस्तों 7 लिखा है, जैसे यहां पे 9 लिखा है, उसी प्रकार से हम BAN को भी लिखेंगे। देखिए करना क्या है सॉल्व करने के लिए, देखिए हम कैसे देखेंगे 7 लिखा है, इसको हम करेंगे नंबरिंग। बी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो बी 2 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, यानी कि पहले नंबर पे आता है। और डी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो 4th नंबर पे आता है। इसको आपस में जोड़िए, 2 1 3 3 1, देखिएगा 2 1 3 और 3 और 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा 7। और इस यहां पे देखिए लिखा क्या है, 7। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एस दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलेंगे एस 19 नंबर पे आता है। और ए दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है। और पी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या दोस्तों, 9 होगा। देखिएगा तो यहां तक क्या करते हैं दोस्तों, यहां तक तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं उसके बाद प्रश्न छोड़ देते हैं। नहीं, आपको सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है। देखिए करना क्या, आपको इसे भी जोड़ना है। जोड़िए 19 और 1 जोड़ेंगे 20, और 20 में 16 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 36 होगा। अब देखिए 36 किन संख्याओं से मिलकर बना है, इसे करना क्या है दोस्तों, जितने भी अंक है सबको जोड़ के एक अंक में कन्वर्ट कर लेना है। यानी 36 किन संख्याओं से, 3 और 6। तो आप क्या करेंगे, 3 प्लस 6 दोस्तों क्या होगा, 9। बस एक अंक में कर लेना है, 2 अंक की संख्या मिल रही उसको जोड़ के क्या कर लेना है, 1 कर लेना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 को जोड़ेंगे आपस में तो 3 और 6 क्या जुड़ के हो जाएगा, 9। और देखिए SAP को क्या लिखा है, 9 लिखा है। उसी प्रकार से दोस्तों बताइए बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। फिर क्या है दोस्तों, एन है, एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। इसको आपस में जोड़िए, 2 1 3, और 3 में दोस्तों 14 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 17। अब इसका आंसर 17 नहीं होगा, इसे भी एक अंक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक अंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 17 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 1 और 7। तो इसे क्या करेंगे, 1 प्लस 7 कर लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 7 8 हो जाएगा, क्या होगा, 8। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा, होमवर्क के तौर पर, टेस्ट के तौर पर रहेगा क्वेश्चन, और जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पूछूंगा लास्ट में, चलिए। और देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बताना भी है, कमेंट करके बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये भी बताएंगे, ठीक है, आपको कितने क्वेश्चन सही सही आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, मिसिंग नंबर, कहां पे लुप्त संख्या, कहां पे गायब है। देखिए यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना लास्ट वाले फिगर में, तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप पहले में देखेंगे यहां पे 10 कैसे आया है, दूसरे वाले फिगर में देखेंगे यहां पे 24 कैसे आया है। जैसे दोस्तों पहले वाले में 10 आया है, दूसरे वाले में 24 आया है, उसी प्रकार से हम तीसरे वाले में भी लाएंगे, ठीक है। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, देखिए आपको करना क्या है, ये 0 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है। इन्हीं
संख्याओं को आप कुछ करके 10 लाइए। तो देखिए सिंपल सी भाषा में समझिएगा क्या करेंगे दोस्तों हम इन सभी संख्याओं को। पहले तो सिंपल क्या करते हैं, सिंपली आपको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़िए 6 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 और 10 2 12 और 12 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12 ही होगा। इसे जोड़ने पे क्या आया 12। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, अब इसको कैसे कैसे जोड़ के घटा के गुणा भाग करके 10 ही लाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको अभी 10 नहीं लाना है, यहीं पर आपका आंसर नहीं है, दूसरे को भी देखना है। दूसरे में क्या है दोस्तों 10 है 8 है 6 है 2 है, इसे भी जोड़िए। 10 और 8 क्या हो जाएगा 18 और 18 में 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 24 और 24 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब देखना है, सोचना है कि कैसे दोस्तों ये 12 को 10 लिखा है 26 को 24 लिखा है। तो यहां पे आपको क्या होगा क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट तुरंत आंसर नहीं दिया जाता है, प्रश्न को पैटर्न समझा जाता है, प्रश्न का जो भी पैटर्न है उसे समझेंगे। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा ये 12 को क्या लिखा है 10 लिखा है, यानी क्या किया है दोस्तों माइनस 2 कर दिया है। ये दोस्तों 26 को क्या लिखा है 24 लिखा है, यानी ये क्या किया है दोस्तों माइनस 2 कर दिया है, जोड़ के माइनस 2 कर दे रहा है। इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देंगे। चलिए 14 और 12 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा 36 हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्या होगा 40, 40 में से दोस्तों क्या करेंगे 40 में से माइनस 2 कर लेंगे, 40 में से जब 2 घटा लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा ये 38। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा 38 यानी कि 38 हो जाएगा। अब देखिए 38 किसी ऑप्शन में है तो हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो पूछे जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, वेन डायग्राम बनाना है, किसका दिल्ली श्रीलंका और एशिया का, दिल्ली श्रीलंका और एशिया का। दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे पहले भी बताओ फिर से बता रहा हूं, जो दोस्तों शब्द दिया रहेगा वेन डायग्राम जिसका बनाना हो इसमें किसका बनाना है दिल्ली श्रीलंका और एशिया का, तो आप दोस्तों इन्हीं शब्दों पे विचार करेंगे, सोचेंगे दिमाग में अपने कि इनका एक दूसरे से संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है, बस ये आपको सोचना है, तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ नहीं, और सोचना कैसे ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब आपके दिमाग में दोस्तों एक फिगर आना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, दिल्ली क्या है दोस्तों भारत की राजधानी है, आपको पता होगा दिल्ली कहां है भारत में है, श्रीलंका क्या है दोस्तों भारत में है या अलग है, श्रीलंका अलग एक देश है, ठीक है, श्रीलंका क्या है अलग एक देश है, एशिया क्या है दोस्तों एशिया के अंतर्गत भारत भी आता है श्रीलंका भी आता है, ठीक है, यानी कि एशिया के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है दोस्तों भारत यानी दिल्ली भी है श्रीलंका भी है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिएगा अब आपको यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सर्कल ड्रा करना है यानी बनाना है दोस्तों किसका, ये हो गया किसका एशिया का, एशिया में क्या आता है दोस्तों भारत और भारत में आता है दिल्ली, यानी दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए क्या हो जाएगा एशिया के अंतर्गत आ जाएगा दिल्ली और क्या आ जाएगा श्रीलंका क्या है एशिया के अंतर्गत ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा श्रीलंका, यानी इसका वेन डायग्राम किस टाइप से बनेगा इस टाइप से बनेगा। अब देखिए इस टाइप से किस ऑप्शन में दिया हुआ है वेन डायग्राम, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में इस टाइप से दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए दोस्तों, शेयर भी जरूर किया करिए ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों आप डेली पढ़ा करिए दोस्तों, डेली मैं बता दूं दोस्तों 8 PM पे वीडियो देता हूं, शाम 8 बजे एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले और डेली दोस्तों आप पढ़ा करिए, ठीक है, डेली पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे, जब आप एग्जाम देंगे तो देखेंगे सारे क्वेश्चन यही सब है और आप अच्छे से एग्जाम पास कर जाएंगे, ठीक है, तो आप हमसे जरूर जुड़े रहिए, अच्छे से जुड़े रहिए। और एक चीज और बता दूं, आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम भी होती है तो चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर देंगे दोस्तों, तो वो भी चैप्टर में बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा, या किसी प्रकार की दोस्तों सुझाव या सजेशन हो तो वो भी आप मुझे
नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस टाइप से पढ़ाऊं जो आपके लिए बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका आंसर दोस्तों क्या होता है ना, लगभग 90+ परसेंट यानी 90 से ज्यादा परसेंटेज स्टूडेंट जो होते हैं ना, 90% लगभग समझ लीजिए गलत आंसर देते हैं। कहां पे गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री, देखिएगा पुत्र की पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है तो एक लाइन में पढ़ के तुरंत आंसर नहीं दिया जाता है, इसको क्या किया जाता है दोस्तों, अपने से रिलेट करेंगे। कभी भी दोस्तों ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, अपने से रिलेट करेंगे। देखिए कैसे बता रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा एक बार, देखिए यहां पे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आप अपने को रखेंगे कहाँ पे, देखिए एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, मान लीजिए दोस्तों आप रोहित हैं, कह रहे हैं क्या, वह मेरे पिता की, आपके पिता की पत्नी कौन होगी दोस्तों, अब बताइए आप रोहित हैं, कौन है आप रोहित हैं, आपके पिता की पत्नी कौन होगी, आपकी मम्मी होंगी, ठीक है। मम्मी के पुत्र की, मम्मी के पुत्र कौन होगा ये बताइए, आपके मम्मी का पुत्र कौन होगा, आप होंगे या आपका भाई होगा। अब यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट कहां कंफ्यूज हो जाते हैं, मम्मी का पुत्र स्वयं को मान लेते हैं, नहीं मम्मी का पुत्र आपका भाई भी होगा। यहां पे रहता अगर एक शब्द लिखा होता दोस्तों, पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र, जब एकमात्र वर्ड दोस्तों जो जुड़ता है ना वो क्या होता है, इकलौता पुत्र यानी एक ही पुत्र है, और जो पुत्र की पुत्री की बहन होगा वो आपकी पुत्री की बहन होगी, ये चीज यहां पे। लेकिन यहां पे दोस्तों एकमात्र वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, यहां पे आपके पिता की पत्नी यानी आपकी मम्मी के पुत्र कौन होगा दोस्तों, आप हो सकते हैं या आपका भाई, ठीक है, कि पुत्री की बहन यानी मान लीजिए आप हैं आपके भाई की पुत्री की दोस्तों बहन क्या लगेगी आपकी, ये चीज यहां पे करना है। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां पे क्या करना है दोस्तों, यहां पे जो पुत्री है ना, पुत्री की बहन, जो पुत्री की बहन कह रहा है, तो आपके पुत्री की बहन हो सकती है या आपके भाई की पुत्री की बहन हो सकती है। तो यहां पे दोस्तों रिलेशन कैसा होगा रोहित से, ये बताना है, ठीक है। तो किस प्रकार का रिलेशन होगा, यानी वो स्त्री जो है यानी कि जो पुत्री की बहन है वो रोहित की क्या लगेगी, बताइए। यहाँ पे दो दोस्तों कंडीशन बन रहा है, या तो दोस्तों यहाँ पे रोहित स्वयं होगा तो क्या होगी दोस्तों, पुत्री हो जाएगी, देखिएगा तो पुत्री होगी, और या रोहित का भाई का पुत्री की बहन हो तो क्या होगा दोस्तों, भतीजी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पुत्री अथवा भतीजी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये चीज आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जो दोस्तों यहां रहता एकमात्र पुत्र की पुत्री की बहन, यहां पे रहता एकमात्र वर्ड, तब आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर ए होता, लेकिन यहां पे एकमात्र वर्ड नहीं जुड़ा है, इसलिए क्या आंसर होगा, पुत्री हो सकती है या क्या हो सकती है, भतीजी। भतीजी किसे कहा जाता है दोस्तों, भाई की जो संतान होती है, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, भाई की जो लड़की होगी उसे क्या बोला जाएगा, भतीजी बोला जाएगा, ठीक है। भतीजा क्या पुत्र होगा तो उसे भतीजा, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पुत्री अथवा भतीजी होगा। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे डायरेक्ट आंसर करते हैं और अपने आप को मान के पुत्री आंसर देके तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्रश्न को थोड़ा सा समझना है, आंसर क्या होगा, पुत्री अथवा भतीजी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है और इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या कहने का मतलब है दोस्तों, जिससे दोस्तों 3 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से दोस्तों 7 का संबंध किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है।
है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है मैं समझा रहा हूँ। देखिए आप करेंगे क्या दोस्तों, पहले आप देखेंगे 3 को 30 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम 7 को लिखेंगे। अगर जो दोस्तों मैं बोलूं यहाँ पे 3 × 10 कर दे तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही करना होगा, 7 × 10 = 70। लेकिन देखिए 70 किसी ऑप्शन में है? नहीं है। जब नहीं है तो प्रश्न सॉल्व ऐसे नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। देखिए ये जो 3 है ना, हमें 3 को 30 बनाना है। कैसे बनाना है मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, 3 का क्यूब कर दीजिए प्लस इसमें 3 जोड़ दीजिए। 3 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, 3 × 3 × 3 यानी 3 × 3 = 27, और 27 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 30 हो जाएगा। समझ में आया? यहां पे क्या किए दोस्तों, 3 का क्यूब कर दिए यानी 3 का घन कर दीजिए और 3 इसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए, 30 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आप क्या करेंगे, 7 का क्यूब प्लस क्या करेंगे, 7। 7 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 7 × 7 × 7, 7 × 7 = 343 होगा। क्या होगा दोस्तों, 343। और 343 में दोस्तों क्या करेंगे, ये 7 को जोड़ देंगे। इस 7 को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, 343 में 7 जोड़ देंगे तो यहां पे हो जाएगा 350। क्या होगा दोस्तों, 350। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा दोस्तों, 350 होगा। 350 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए।